मैम इधर ही फोटो अप कर लेते हैं क्या? मैडम सामने, मैडम दीपिका जी इधर देखिए, मैडम सामने, मैम इधर देखिए, नहीं मैम आपके सामने 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 एकदम दीपिका जी इधर देखिए ना मैम, यो 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 दीपिका जी, दीपिका जी राइट में राइट। सबसे पहले बताएं न्यू ईयर का क्या सेलिब्रेशन है इस बार आपने? मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट किया। नीचे ले बूम किसके? टुडे इज माय ग्रैंडफादर्स 95th बर्थडे एंड हर साल मैं हमेशा मैं बाहर गांव जाती हूं, बट दिस ईयर आई डिसाइडेड टू स्पेंड टाइम विद हिम स्पेशली एंड विद माय फैमिली। अच्छा इस बार ट्रिपल एक्स के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ खास देखने मिलेगा इस बार? एक नया कोस्टार देखने को मिलेगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। दिस इज़ यू नो दिस इज़ माय हॉलीवुड डेब्यू एंड आई एम वेरी वेरी नर्वस बट आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड एंड टुडे इज़ द बिगिनिंग ऑफ दैट जर्नी एंड होपफुली विल बी कमिंग टू इंडिया सून। दीपिका इंटरनेशनल गर्ल, थैंक यू थैंक यू। क्या दीपिका इंटरनेशनल गर्ल के तौर पर अभी जानी जाएगी इंटरनेशनल एक्ट्रेस के तौर पर? I don't know. I think I want to be known as a good person and a good actor. I think that is more important. But I feel very proud that I get to represent my country, especially in this kind of an action franchise film. मैं बहुत ही excited हूँ. I'm very very sure कि ये जो film है हम सब बहुत enjoy करेंगे because of the content of the film. You know, there's a lot of action, there's a lot of adventure, which we have not seen in Indian films before. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं इस फिल्म को मैं यहाँ लाकर सबको पेश करूँ। प्रियंका भी जा रही है आपके पीछे पीछे जा रही हैं। वो इंसिडेंट है। ओह आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो दैट, दैट बी ग्रेट। अब दीपिका लास्ट जानना चाहूंगा, इस साल का आपका क्या रेजोल्यूशन था? आप जानना चाहूंगा इस साल का रेजोल्यूशन, पता नहीं मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। रेजोल्यूशन शायद यही है कि मैं अपने फैमिली के साथ और टाइम स्पेंड करूँ। आजकल मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, तो यही होगा कि मैं उनके साथ और वक्त गुजारूं।